वंदे भारत एक्सप्रेस को एक बार फिर निशाना बनाया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर के पास ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। साल 2023 में यह आठवीं बार है जब वंदे भारत ट्रेन के ऊपर ऐसे हमला हुआ है। क्यों बार बार वंदे भारत को ही टारगेट किया जा रहा है? इस ट्रेन से आखिर किसको नफरत है और इस नफरत की वजह क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला। ट्रेन पर बरसाए गए पत्थर। सीसीटीवी में कैद हुए पत्थरबाज। वंदे भारत एक्सप्रेस जब फुल स्पीड में थी तभी उस पर पथराव किया गया। अटैक में ट्रेन के E1 कोच का शीशा टूट गया, कई जगह खरोंच के निशान नजर आए। गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं आई। यह हमला उस वक्त किया गया जब ट्रेन कुछ मिनटों में मुजफ्फरनगर पहुंचने वाली थी। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है जिसमें 3 युवक ट्रेन पर पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब रेलवे प्रशासन एक्शन मोड में और हमलावरों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए एक्टिव हो गई है। जो ये जगह है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये मुजफ्फरनगर का संधावली गांव है। इसी गांव के पास से बाहर की तरफ से रेल की जो पटरी है वो जा रही है और यहीं पर ये पत्थरबाजी हुई। हालांकि उस तस्वीर को देखें तो अब तमाम जो अधिकारी है उस कोशिश में है कि पता लगाया जाए कि कौन ये युवक है और क्यों इन्होंने पत्थर इस वंदे भारत पर मारे। कुछ गांव के लोग मौजूद है, सहायक है प्रधान के, अंकित नाम है इनका, इन्होंने भी वो वीडियो देखी है। आपने देखी है वीडियो? आपके गांव की है? जी, धर्म संधावली के पास में है ये, जो हमारी लाइन जा रही है तो पुल के नीचे इसके बराबर में ही ये 3 बंदे हैं, लेकिन फिलहाल पहचान में नहीं आ रहे कौन बंदे हैं। तो अभी अगर पुलिस आएगी, RPF आती है आपके पास, क्योंकि जांच हो रही है इसकी? सर, उसमें भी हम इनका सहयोग देंगे। जो भी RPF की टीम यहाँ पे आती है उनके लिए बताएंगे। बस इसमें चेहरे उनके क्लियर नहीं आ रहे, इस वजह से हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वे कौन है, पर ये घटना हमारे गांव की है। देहरादून से चलकर दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन तक जाने वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हाल ही में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 29 मई को ही वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया था। हालांकि ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं है जिस पर अटैक किया गया है। जनवरी 2023 से वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की ये 8वीं घटना है। पहली बार जनवरी में विशाखापट्टनम में ट्रेन पर अटैक किया गया जब ट्रेन रखरखाव के लिए खड़ी थी। जनवरी में ही दार्जिलिंग में वंदे भारत को निशाना बनाया गया और इसी महीने मालदा में भी खड़ी वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। फिर मार्च में मुर्शिदाबाद से सटे फरक्का में पत्थरबाजी की घटना हुई और अप्रैल में एक बार फिर विशाखापट्टनम में अटैक हुआ। मई में 2 बार केरल में वंदे भारत पर पत्थर बरसाए गए। पहले मलप्पुरम में पथराव की घटना हुई और फिर वल्लपट्टनम में पत्थर मारकर खिड़की के शीशे तोड़ दिए गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।